द्वीपों का किनारा होता है, ग्रहों का बाहरी हिस्सा होता है, गैलेक्सीज के भी छोर होते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड का क्या? हम इंसान बहुत ही उत्सुक होते हैं क्योंकि हमें हर चीज की एक हद जाननी होती है, तो जाहिर है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ब्रह्मांड की भी कोई हद या सीमा है। क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा होती है? इस सवाल का जवाब है हाँ और ना, क्योंकि सीमा के अलग अलग मतलब होते हैं। हम जहां तक देख सके वो सीमा, या जहां तक हम जा सकते हैं, या जहां तक इसे समझ सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड की सीमा को पहचान पाएंगे तभी हम जान पाएंगे कि इसमें हमारी स्थिति क्या है। ये सवाल हमारे ब्रह्मांड का है, ये सवाल उस जगह का है जिसमें हम खुद रहते हैं, यानी ये सबसे जरूरी सवाल है। जाहिर है हम ये जानना चाहते हैं। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो क्या हम लोग कभी ब्रह्मांड की सीमा को ढूंढ पाएंगे? विज्ञान शो पेश करता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। २०१६ हबल स्पेस टेलीस्कोप अर्सा मेजर नाम के तारों के समूह के बीच अंतरिक्ष में अंधेरी जगह को देख रहा था। तभी उसने रोशनी के एक गोले की तस्वीर ले ली। ये रोशनी दूर बसी एक गैलेक्सी GNZ-11 से आ रही थी। हमने पहले कभी इतनी दूर की गैलेक्सी नहीं देखी थी, मगर क्या वो ब्रह्मांड की सीमा पर है? ब्रह्मांड में हमारे आसपास बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या कोई आखिरी गैलेक्सी होगी? अगर हम बहुत दूर चले जाएं, तो क्या हम ब्रह्मांड की सबसे आखिरी गैलेक्सी तक पहुंच पाएंगे जिसके आगे सिर्फ खाली अंतरिक्ष होगा? इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि हम कहां तक देख सकते हैं इसकी भी एक हद है। ये सब निर्भर करता है रोशनी की रफ्तार पर और हमारे ब्रह्मांड की उम्र पर। ब्रह्मांड की सीमा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रोशनी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी भी सीमा है। ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने में उसे भी थोड़ा वक्त लगता है। पर्दों को खोलते ही कमरा तुरंत रोशन हो जाता है, हमें रोशनी सफर करती हुई नहीं दिखती, मगर अंतरिक्ष में चीजें दूर होने की वजह से रोशनी सफर करती हुई दिखाई देती है। सूरज जो हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, उसकी रोशनी को भी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। जब हम तारों की बात करते हैं तो उनकी दूरी को लाइट ईयर्स में नापना पड़ता है, क्योंकि रोशनी को उन तारों तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। और जब हम गैलेक्सीज की बात करें तो उनके बीच में तो लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स की दूरी होती है। जहां तक बात GNZ-11 से आने वाली रोशनी की है, हमें उससे 13.5 करोड़ साल पहले निकली रोशनी दिखती है। यह धरती के अंदर जाकर देखने जैसा है। जियोलॉजी में हम पत्थरों की परतों को एक किताब की तरह पढ़ते हैं। जब हम अंदर की परतों को देखते हैं तो हमें उस पत्थर का इतिहास दिखता है और हम धीरे धीरे पुराने वक्त में जाने लगते हैं। इस बात के सबूत मिले हैं कि उस वक्त इकोसिस्टम आज से कितना अलग था। यहाँ अनोखे जानवर रहते थे, एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस की मात्रा आज से अलग थी, सब कुछ अलग था। मगर हम वक्त में कितना पीछे तक देख सकते हैं उसकी भी एक सीमा है। जब हम इन पत्थरों की परतों को देखते हैं और हम पत्थर के जितना अंदर जाते हैं, हमें उतनी पुरानी और पुरानी परतें मिलती हैं, और आखिर में हमें 350 करोड़ साल पुरानी परत मिलती है। उससे पुरानी कोई परत नहीं होती क्योंकि उससे पहले धरती पर पत्थर नहीं थे, तो इसलिए इतिहास को देखने की भी एक सीमा होती है, और ब्रह्मांड को देखते वक्त भी कुछ ऐसा ही होता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने उस वक्त GNZ-11 की एक तस्वीर ली थी। हमने जितनी गैलेक्सीज देखी है वो उनमें से सबसे पुरानी और दूर की गैलेक्सी है। जहाँ तक ब्रह्मांड को समझने की बात है, इस मामले में हम हमेशा हद पार करने की कोशिश करते हैं।
हमने जहाँ तक ब्रह्मांड को देखा है उसकी हद बहुत दूर तक है और हर रोज ये हद और आगे बढ़ती जा रही है। हम ब्रह्मांड के और इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं ताकि उसकी शुरुआत का हमें पता चले। और अब नासा और भी ज्यादा जबरदस्त ऑब्जर्वेटरी बना रहा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जब लॉन्च होगा तब वो उन तारों को देख पाएगा जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बने थे। तो हमारी जानकारी बढ़ रही है और हम अपने ब्रह्मांड के सबसे शुरुआती दिनों के बारे में और जान रहे हैं, और ये एक एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए सही वक्त है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में GNZ-11 से भी पुरानी और दूर की गैलेक्सीज को देखने की काबिलियत है, लेकिन एक बुरी खबर है। असल में हम उससे ज्यादा दूर बनी गैलेक्सीज को ढूंढ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 1380 करोड़ साल पुराना है और ब्रह्मांड में गैलेक्सी को बनने में भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो अगर हम उससे ज्यादा दूर देखेंगे तो वहाँ ज्यादा गैलेक्सीज नहीं बनी होंगी। ब्रह्मांड की उम्र इतनी है कि जो चीज़ हमसे बहुत दूर है उनसे आने वाली रोशनी यहाँ पहुँचेगी नहीं। इसका मतलब यह है कि हम ब्रह्मांड में कितने दूर तक देख सकते हैं उसकी भी एक सीमा है, और ये सीमा ब्रह्मांड की उम्र पर निर्भर करती है। GNZ-11 ब्रह्मांड के जीवन काल के शुरुआती दौर में ही बन गई थी, यानी बिग बैंग के सिर्फ 40 करोड़ साल बाद। उससे पहले तारे नहीं बने थे जिनकी रोशनी हम तक पहुंचे। अगर हम किसी भी दिशा में देखें तो आखिर में उस वक्त की चीजें दिखती हैं जब कोई तारे नहीं थे, गैलेक्सीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस गर्म गैस थी और वो हमारे चारों तरफ एक शेल बना लेती है। इस बाहरी खोल को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी है, ब्रह्मांड के पैदा होने की उस बिग बैंग की गूंज है। हमारे ब्रह्मांड की सीमा वो सबसे दूर की चीज है जिसे हम देख सकते हैं। वो खुद ब्रह्मांड के जन्म के वक्त की सबसे पुरानी निशानियों में से एक है, और वही है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा है। तो हमारे सामने है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मगर उसके पार अगर ब्रह्मांड में चीजें हैं भी तो हम कुछ भी करके उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उनसे निकली हुई रोशनी हम तक पहुंची नहीं होगी। जैसा उसके नाम से पता चलता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक स्पॉटलाइट की तरह मान सकते हैं जिसका केंद्र वहां पर है जहां अभी हम खड़े हैं, और आप सिर्फ स्पॉटलाइट के किनारे तक देख सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट में या थोड़ा सा राइट में चलें तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसके मुताबिक बदलेगा। अगर कोई GNZ-11 गैलेक्सी में रहता होगा उसके लिए ब्रह्मांड का कोई और हिस्सा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होगा। तो वो दूर बनी गैलेक्सी हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर पर है और हम उनके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के छोर पर हैं। हम पर अलग अलग स्पॉटलाइट्स हैं। सोचने में ये बात दिलचस्प लगती है कि दूसरी गैलेक्सीज में और भी ऐसे ग्रह होंगे जिनमें बैठे एलियंस इस वक्त आसमान की तरफ देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड की असली सीमा आखिर क्या है। हमारे इस ब्रह्मांड की सीमा GNZ-11 गैलेक्सी पर खत्म नहीं होती है, लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से GNZ-11 तक की दूरी को नापा तो उन्हें हैरत अंगेज बात पता चली। वो हमसे 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, जितना उन्होंने सोचा था उससे 3 गुना ज्यादा दूर। तो अगर रोशनी से तेज कोई नहीं चल सकता और फिर हम उस गैलेक्सी तक की दूरी नापते हैं तो वो 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर कैसे हो सकती है? अगर GNZ-11 इतनी दूर है तो ब्रह्मांड के जीवन काल के मुताबिक उससे निकली रोशनी अभी हम तक नहीं पहुंच सकती। जरूर हमसे कोई गलती हुई है ना? आपका दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो गया होगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ, मैंने सारी जिंदगी यही काम किया है। ये बातें जानकर मेरा भी सिर चकरा जाता है, ये सब समझना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसी गैलेक्सी कैसे देख सकती है जो 32 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और सिर्फ 1350 करोड़ साल पुरानी है?
GNZ-11 को जहां होना चाहिए था वो उससे दूर है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में बहुत अजीब बात हो रही है। ये फैल रहा है। अगर ये ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसकी सीमा कहां पर होगी और क्या हम उसे देख पाएंगे? ₹1380 करोड़ पहले ऊर्जा का एक धमाका हुआ था, उसे हम बिग बैंग कहते हैं। स्पेस और टाइम चारों दिशाओं में फैलने लगा और तब से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। मगर ये जिस तरह फैल रहा है उस वजह से इसकी सीमा ढूंढना मुश्किल है। ये ब्रह्मांड फैल रहा है और ये एक लॉ के मुताबिक फैल रहा है। कोई गैलेक्सी इस वक्त हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो हमसे उतनी ज्यादा तेजी से और दूर जा रही है। जो गैलेक्सी ज्यादा दूर है वो ज्यादा तेजी से जा रही है। हमें आज तक जो सबसे दूर की गैलेक्सी दिखाई दी है यानी GNZ-11, वो हमसे पूरे 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जा चुकी है, वो भी सिर्फ 1350 करोड़ सालों में। यानी उसकी रफ्तार रोशनी से भी तेज है। हम ये नाप सकते हैं कि गैलेक्सीज हमसे कितनी रफ्तार के साथ दूर जा रहे हैं, और कई गैलेक्सीज ऐसी हैं जो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमसे दूर जा रही हैं। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है ना? हम सबको हमेशा से यही बात बताई गई है कि रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज कोई भी चीज नहीं जा सकती, पर असल में ये झूठ है। अंतरिक्ष जो चाहे वो कर सकता है, वो नियम बनाता है, उन्हें तोड़ भी सकता है। वो नियम मैटर पर लागू है, खुद अंतरिक्ष पर नहीं। अंतरिक्ष जिस रफ्तार से चाहे उससे फैल सकता है। इस फैलाव के नियम को समझने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए कि आप एक असीमित रबर की चादर पर खड़े हैं जो चारों तरफ दूर तक फैली है, और हम उस पर एक जगह खड़े हुए हैं और निशान बना सकते हैं। फिर वो चादर हर तरफ से फैलने लगती है, तो अगर वो फैलकर दुगनी हो जाती है तो जो गैलेक्सी हमसे पहले हमसे 1 फुट दूर थी, अब वो चादर के बढ़ने के साथ हमसे 2 फुट दूर हो जाएगी। लेकिन एक और गैलेक्सी जो हमसे 10 फुट दूर थी, अगर वो दुगनी दूर जाएगी तो वो हमसे 20 फुट दूर चली जाएगी। तो एक ही बराबर वक्त में एक गैलेक्सी हमसे 1 फुट दूर गई, जबकि दूसरी गैलेक्सी 10 फुट दूर चली गई। तो हमारे और दूसरी किसी गैलेक्सी के बीच जितनी ज्यादा मात्रा में इलास्टिसिटी होगी वो हमसे उतनी दूर जाती दिखेगी। लगातार फैलने की वजह से हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा हर तरफ 4600 करोड़ लाइट ईयर्स दूर तक है, और इसकी चौड़ाई 9200 करोड़ लाइट ईयर्स है, और हर पल और बड़ी हो रही है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हम अपनी सोच में भी इसके पैमाने का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और इस हिस्से में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं। यह हैरतअंगेज है, इतने बड़े पैमाने पर हमने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिर तक जाकर देखें तो हमें और भी अनजान और अनोखी चीजें दिखेंगी। सोचिए, हम एक बहुत तेज अंतरिक्ष यान में हैं। हम पहले सौर मंडल, फिर मिल्की वे से बाहर जाते हैं। जैसे ही हम गैलेक्सीज के बीच की जगह में पहुंचेंगे सब कुछ बहुत अजीब होने लगेगा। हम मिल्की वे से जितने दूर जाएंगे दूसरी गैलेक्सीज हमसे 21 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उतनी ज्यादा दूर जाने लगेंगी। हमें उनका पीछा करने के लिए बहुत तेज जाना पड़ेगा, और गैलेक्सीज आगे जाती रहेंगी और हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। अगर आप फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपको उसे पार करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे, लेकिन अगर फिनिश लाइन आपसे दूर जा रही है तो क्या होगा? अगर वो उतनी ही रफ्तार से दूर जा रही है जिस रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं तो आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर वो आपसे ज्यादा तेज जा रही है तो ज्यादा तेज जाने वाले लोग भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ब्रह्मांड में भी हमें कुछ ऐसी ही बात दिखाई देती है। यहाँ से काफी ज्यादा दूरी पर दूसरी गैलेक्सीज रोशनी से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमसे दूर जा रही है,
जहां से ऐसा होना शुरू होता है उसे कॉस्मिक इवेंट होराइजन कहते हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देखने वाली 97% गैलेक्सी उसके पार और हमारी पहुंच से बाहर होती है, जिनमें GNZ-11 भी शामिल है। ये ऐसा है जैसे वो हमें कह रहे हों, देखो हम यहाँ हैं, हमें पकड़ कर दिखाओ। पर हमें पता है कि अगर हम आज भी वहां जाना शुरू करें तो भी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो चीजें कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार चली गई हैं, हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार भी बदल रही है। तकरीबन 20 साल पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने यह देखा कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार और एक्सेलरेट हो रही है, यानी और बढ़ रही है। सबको लगता था कि ग्रेविटी की वजह से ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार अब तक कम होने लगी होगी। गैलेक्सीज में वजन होता है, फिजिकल मैटर और डार्क मैटर होता है, रोशनी में ऊर्जा होती है। ऊर्जा के जितने भी रूपों को हम जानते हैं, उन्हें इस फैलाव को धीमा करना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींचती है। सोचिए हमें कितनी हैरानी होगी जब हमने देखा कि वो रफ्तार कम नहीं हो रही है, और ये फैलाव एक रफ्तार से भी नहीं हो रहा है बल्कि इसकी रफ्तार बढ़ रही है। ये देखकर हमारे होश उड़ गए। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि जो गैलेक्सीज हमसे दूर हैं, वो ऐसी रफ्तार से दूर जा रही हैं जो फिजिक्स के नियमों के मुताबिक नामुमकिन है। हमारे लिए इससे हैरत अंगेज बात कोई हो ही नहीं सकती। ये शायद आपको बड़ी बात नहीं लगेगी, लेकिन सोचिए, अगर आप अपने हाथ में पत्थर पकड़ें और उसे छोड़ दें और वो नीचे गिरने के बजाय ऊपर उठ जाए, तो आपको जैसा झटका लगेगा वैसा एस्ट्रोनॉमर्स को लगा था। हमने कभी सोचा नहीं था कि ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार बढ़ रही होगी। एक वैज्ञानिक होने के नाते जब मुझे ये बात पता चली तो ऐसा लगा मानो मेरी पूरी दुनिया पलट गई हो। मुझे यकीन है किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ब्रह्मांड के फैलाव की रफ्तार बढ़ी होगी, कि ऐसी भी कोई ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के फैलाव को आज भी और तेज बना रही है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक ये काम एक रहस्यमयी ऊर्जा कर पा रही है, डार्क एनर्जी। हमें लगता है कि डार्क एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को दूर धकेल रही है और फैलाव की रफ्तार बढ़ रही है। डार्क एनर्जी का जन्म कैसे हुआ और वो कैसी होती है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। डार्क एनर्जी की वजह से हर रोज और ज्यादा गैलेक्सीज कॉस्मिक इवेंट होराइजन को पार कर रही हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर जा रही हैं। इन गैलेक्सीज को हम कभी देख नहीं पाएंगे। ये वो गैलेक्सीज हैं जिन्हें हम आज देख तो पा रहे हैं, लेकिन कुछ लाख सालों बाद हम इन्हें नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा उन गैलेक्सीज के मुकाबले हमसे ज्यादा करीब आ गई है। ऐसा हमेशा लगातार होता रहता है, और हो सकता है कि लाखों करोड़ों साल बाद जो गैलेक्सीज हमें अभी अंतरिक्ष में दिख रही हैं, वो सभी गायब हो जाएंगी, क्योंकि वो हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा के पार निकल जाएंगी। तो आखिर में जाकर सभी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर निकल जाएंगी कि उनसे निकलने वाली रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये ऐसा है जैसे कि आप एक अंधेरे रेगिस्तान में कार चला रहे हो और दुनिया का सबसे आखिरी शहर दूर जाकर आपकी नजरों से ओझल हो गया हो और आपको कभी रोशनी देखने नहीं मिलेगी। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हमें ब्रह्मांड का उतना कम हिस्सा दिखेगा, और ये कितनी अजीब बात है। यानी हम जितने भी टेलीस्कोप बना सकते हैं हमें अभी बनाने होंगे। हम ब्रह्मांड में जहाँ तक देख सकते हैं उसकी एक हद है। भले ही हमारे टेलीस्कोप्स कितने भी अच्छे हो, लेकिन उस हद के आगे क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी का सबसे बड़ा रहस्य है। बाहरी ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा अनोखा और अजीब हो सकता है। जब हम समंदर किनारे पर खड़े होते हैं और आप दूर क्षितिज को देखते हुए सोचते हैं कि ओ, उस क्षितिज के पार कितनी खूबसूरत जगह मौजूद होगी, ऐसी जगह जो मैंने कभी नहीं देखी है। हम इंसान हमेशा ये जानना चाहते हैं कि हमें जो दिखता है उसके पार क्या है, इस ब्रह्मांड की हद क्या है। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज है। इसकी चौड़ाई लगभग 9200 करोड़ लाइट ईयर्स है।
मगर एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि वो ब्रह्मांड की असली सीमा नहीं है। हमें ये बात नहीं पता कि हम पूरे ब्रह्मांड के कितने हिस्से को जानते हैं। हो सकता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का इतना छोटा हिस्सा हो जैसे हमारे लिए माइक्रोस्कोपिक चीजें। हमें नहीं पता है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर जाकर और कितनी चीजें मौजूद हैं, और क्योंकि वो चीजें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हैं, इसलिए हम लोग उन्हें जाकर देख भी नहीं सकते। तो वहाँ पर क्या है? एक सोच ये है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर का ब्रह्मांड काफी कुछ ब्रह्मांड के हमारे इस हिस्से जैसा ही होता है। वहाँ ऐसा ही ब्रह्मांड है, वहाँ सब यहाँ जैसा है, वो बस इतना दूर है कि हम उसे देख नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ अजीब जगह होंगी जहाँ उल्टा वक्त चलता होगा और दो सिर वाले एलियंस होंगे, या शायद वो होंगे। पर जब हम बाहरी ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्सों में जाएंगे तो सब कुछ अलग होगा। हमें लगता है कि अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से दुगनी या तिगुनी दूरी तक जाएंगे तो वहाँ पर भी ब्रह्मांड वैसा ही होगा जैसा कि वो यहाँ पर है, लेकिन अगर हम उससे हजार गुना या लाखों गुना दूर चले जाएं, तो क्या पता हमें वहां क्या देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा दूरी पर ब्रह्मांड अलग होगा। अजीब बात यह है कि ये सब भी ब्रह्मांड के फैलने और इस प्रक्रिया से जुड़ी एक जरूरी बात पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड जब बना था तब शुरुआती वक्त में थोड़े वक्त के लिए इसका फैलाव बहुत ज्यादा तेज हो गया था। इस तेज फैलाव को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और उस वक्त के दौरान ब्रह्मांड के रोशनी की रफ्तार के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा था। इन्फ्लेशन ब्रह्मांड के बनने के वक्त की एक अहम प्रक्रिया थी। जब तक वो खत्म हुआ तब तक ब्रह्मांड की कई बातें तय हो चुकी थी। तब तक ब्रह्मांड की बुनियादी चीजें बन गई थी जिनके मुताबिक इसमें सभी प्रक्रियाएं होती हैं। ये बुनियादी चीजें हैं मैटर और लाइट और स्पेस टाइम। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बाहरी ब्रह्मांड में ऐसे हिस्से हो सकते हैं जहां इन्फ्लेशन रुका ही नहीं है। इस सोच के मुताबिक बाहरी ब्रह्मांड बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें बीच बीच में कुछ हिस्से हैं जिनमें इन्फ्लेशन बंद हो जाता है और वो आम रफ्तार से फैलने लगते हैं। इन्फ्लेशन कहीं पर रुक सकता है और उसे ब्रह्मांड के वो हिस्से बनते हैं जिनमें हम रहते हैं, और इन्फ्लेशन कहीं और जारी रह सकता है। ब्रह्मांड के वो हिस्से जिनमें इन्फ्लेशन जारी है, हो सकता है उनमें फिजिक्स के अलग नियम काम करते हो। ये इन्फ्लेशन की जबरदस्त प्रक्रिया इतनी दमदार होती है कि स्पेस को अपने इशारों पर नचाने लगती है, इसलिए हमें फिजिक्स के जो नियम सिखाए गए हैं, हो सकता है कि वहां पर वो नहीं दूसरे नियम काम करते हों। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से ब्रह्मांड ऐसे अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है जहां पर सब कुछ एक दूसरे से अलग नजर आता है। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा ये विशाल ब्रह्मांड अलग अलग हिस्सों या डोमेन्स में बटा हुआ है, और वो भी इस तरह से कि हर डोमेन में फिजिक्स के नियम अलग अलग होते हैं। ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों के बीच सीमाएं होती हैं जिन्हें हम डोमेन वॉल्स कहते हैं। पृथ्वी पर भी ऐसी ही सीमाएं होती हैं। जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो अलग अलग स्टेट्स में रह सकती है तो उसमें डोमेन वॉल्स बन सकती हैं। अगर मैं एक मछली होता जो आर्कटिक के इलाके में एक आइसबर्ग के पास तैर रहा होता तो पानी में एक डोमेन बाउंड्री होती जिसके एक तरफ वो लिक्विड होता जहां मैं रहता और दूसरी तरफ वो सॉलिड आइस बर्फ होता। तो एक डोमेन वॉल बस दो इलाकों के बीच की एक सीमा है। जब बात पानी की हो तो वो लिक्विड और सॉलिड के बीच में होती है। जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वो अंतरिक्ष के उस हिस्से जहां पर हम रहते हैं और उस हिस्से के बीच हो सकती है जहां हम कभी नहीं जाना चाहेंगे। एक डोमेन वॉल को पार करना किसी के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है। उस डोमेन वॉल को पार करते ही फिजिक्स के नियम पूरी तरह बदल सकते हैं, वहाँ यहाँ से अलग डायमेंशंस हो सकते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के किसी भी ऐसे हिस्से में चले जाएं जहाँ फिजिक्स के नियम अलग हों, तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के केमिकल्स के बीच जो भी प्रक्रियाएं होती हैं यहाँ के फिजिक्स के नियमों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। आप ठीक ऐसे गायब हो सकते हैं जैसे कि थानोस ने चुटकी बजा दी हो। शायद हम ब्रह्मांड की सीमा ढूंढने के मामले में डोमेन वॉल से आगे नहीं जा सकते।
लेकिन सवाल यह है कि आपके मुताबिक सीमा क्या है? अगर सीमा वहां तक का इलाका है जिसमें हमारे ब्रह्मांड के नियम काम करते हैं, तो ये डोमेन वॉल्स ही उस ब्रह्मांड की सीमा है। पर ये सब सिर्फ एक सोच है। अगर हमें ये पता करना है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसका आकार कैसा है, तो हमें उन सुरागों को देखना होगा जो हमारे करीब मौजूद हैं, जो हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब दे सकते हैं, हमारा बाकी का ब्रह्मांड और कितना बड़ा है और क्या वो कभी खत्म नहीं होता। हजारों लाखों सालों से इंसान आसमान की तरफ देखते हुए ये सोचते आए हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, मगर ये सच में कितना बड़ा है? अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए तो हम ये जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में हमारी क्या स्थिति है। आज विज्ञान का एक बुनियादी सवाल ये है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमें पहले ये जानना होगा कि ब्रह्मांड का आकार कैसा है, और आकार यानी इसका ज्योमेट्रिकल आकार यानी ब्रह्मांड किस जगह से कितना घुमावदार है। अगर हमें कभी जाकर ये पता चला कि ब्रह्मांड का कोई ज्योमेट्रिक कर्वेचर है, तो उसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड बेहद विशाल पैमाने पर खुद को एक सीमा में लपेट कर रखता है, और अगर हम एक ही दिशा में काफी देर तक चलते रहें, तो हम लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया है। एक और सोच ये है कि ब्रह्मांड कभी ना खत्म होने वाला सपाट प्लेन की तरह है, ये घुमावदार नहीं है। हम अगर आगे जाते रहेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा और हम कभी भी शुरुआत तक नहीं पहुंच पाएंगे। किसी भी चीज का आकार जानने के लिए हमें बस थोड़ा दूर जाकर उस पूरी चीज को देखना होता है, मगर जाहिर है कि हम ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं जा सकते हैं। हम किसी रॉकेट में बैठकर हमारे कॉस्मिक होराइजन से हजारों गुना आगे की दूरी पर जाकर ब्रह्मांड के आकार को नहीं देख सकते, ये मुमकिन नहीं है। इंसानी काबिलियतों के चलते हम ब्रह्मांड के बहुत छोटे हिस्से को देख सकते हैं, इसलिए पूरे ब्रह्मांड का आकार जानने के लिए हमें चालाकी दिखाते हुए कोई खास तरकीब निकालनी होगी। ऐसा करने का एक तरीका ये है कि हम ब्रह्मांड की ज्योमेट्री के बारे में सीधे तरीके से सोचें। जब हम ब्रह्मांड की ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो हम वाकई उसकी ज्योमेट्री की बात करते हैं, और ज्योमेट्री के जवाब ढूंढने के लिए चीजें नापनी पड़ती हैं। ऐसा करने के लिए कॉस्मिक स्केल चाहिए, और कमाल तो ये है कि दुनिया में कॉस्मिक स्केल है जिसका नाम है बेरियोनिक अकोस्टिक ऑसिलेशंस। बेरियोनिक अकोस्टिक ऑसिलेशंस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी में बनी लहरें हैं। जब ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ तो अंतरिक्ष में ये लहरें एक जैसे आकार में बन गई थी। ये एक कॉस्मिक स्केल की तरह है जिनकी मदद से हम बहुत ज्यादा दूरियों को नाप सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि ब्रह्मांड घुमावदार जगह में फैल रहा है या एक सपाट प्लेन पर। जब हम इन कॉस्मिक स्केल से ब्रह्मांड का आकार पता करने की कोशिश करते हैं, तो हम कुछ प्रतिशत ऐसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि ब्रह्मांड सपाट है। अगर ब्रह्मांड सपाट है तो हम इसमें किसी भी तरफ जाना शुरू करें तो सफर कभी खत्म नहीं होगा। शायद हमारे ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सपाट ब्रह्मांड कभी खत्म नहीं होगा। अब हमें लगने लगा है कि शायद ब्रह्मांड ऐसी जगह है जो कभी खत्म नहीं होता। इसमें तारे और गैलेक्सीज कभी भी खत्म नहीं होते हैं। पर कोई असीमित चीज भला इस तरह कैसे बन सकती है? इन्फिनिटी अजीब है, क्योंकि वो हमारी सोच से परे है, उसकी कोई हद नहीं है। तो उसका क्या मतलब होता है, किसे बताऊं? मुझे नहीं पता। इन्फिनिटी एक बहुत ही गहरी और टेढ़ी सोच है, हमारा दिमाग उसे समझने के काबिल नहीं है। हम पेड़ पौधों के बीच विकसित हुए हैं, हम एप्स थे जो बस खाना ढूंढना जानते थे। हम ब्रह्मांड और उसके गहरे राजों के बारे में सोचने के लिए विकसित नहीं हुए थे। मैं इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता हूँ। ये इन्फिनिटी की बात और बेहद बड़े बड़े नंबर्स और यहाँ तक कि जो छोटी चीजें हैं वो भी कमाल की हैं। मैं इन्फिनिटी के बारे में सोचता हूँ तो मेरा सर चकराने लगता है। अगर ब्रह्मांड असीमित होता है तो इसकी एक अजीब खूबी ये होनी चाहिए कि इसमें अनोखी घटनाएं होने के सिर्फ आसार नहीं होते हैं, उनके होने की गारंटी होती है।
नामुमकिन बातें मुमकिन होने लगती हैं। अगर आप एक सिक्का हो तो 50% आसार होते हैं कि उसे उछालने पर हेड्स आएगा, 25% आसार हेड्स होंगे कि आप उसे उछालेंगे तो दोनों बार हेड्स आएगा, लेकिन बार बार उछालने पर अनगिनत बार या कई बार लगातार हेड्स आने के आसार कम हो जाते हैं। लेकिन ये ब्रह्मांड असीमित है और इसलिए यहाँ जितनी भी संभावनाएं हो सकती है वो कहीं ना कहीं हो चुकी है। यहाँ पर ईमानदारी से उछाला हुआ न बेईमानी न हाथ की सफाई करके ईमानदारी से लाखों बार उछाले गए सिक्के में भी हर बार हेड्स आया है। तो अगर आप वो इंसान होते जो सिक्का उछाल रहे होते तो आपके होश उड़ जाते, आपको लगता कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन आप गलत होते। ऐसा इंसान होना जो कि ऐसी अजीबोगरीब चीज देखे, बस एक बदकिस्मती की बात है। अगर ब्रह्मांड असीमित होता है तो इसमें अपनी जगह को समझना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसकी गारंटी होती है कि हम अकेले नहीं है। अगर ब्रह्मांड वाकई में असीमित है तो इसमें अनगिनत गैलेक्सीज हो सकती हैं, जिनमें से ऐसे ग्रह होंगे जिन पर जीवन है और अनगिनत ग्रहों पर जीवन नहीं होगा, और क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पनप रहा है तो ऐसा होना मुमकिन है, इसलिए ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर भी ये होता होगा। इस तरह के सपाट ब्रह्मांड में अनगिनत तरह के एलियन जीव पाए जा सकते हैं, पर ऐसे ब्रह्मांड में और भी ज्यादा अजीब बात की गारंटी होती है। अगर ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो बातें नामुमकिन लगती हैं, वो इसमें मुमकिन हो सकती हैं। मैटर जितने भी तरीकों से बन सकता है, ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सीज या फिर सौर मंडल या पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं, और ये भी मुमकिन है कि हमारे साथ साथ वो भी इसी वक्त में मौजूद हों। ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं भी हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसी कोई और भी जगह जरूर होगी जहां पर हमारे जैसी गैलेक्सी होगी और उस पे हमारी पृथ्वी जैसी पृथ्वी होगी और उसमें होंगे इंसान, उसमें आपका ही कोई और रूप हो सकता है। इसकी 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं एक और नेक्स्ट टैगमार्क होगा जो यही बातें कर रहा होगा, बल्कि ऐसे कई लोग होंगे। एक असीमित ब्रह्मांड जिसमें कई मैक्स टैगमार्क्स हो, बहुत अजीब बात है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सर चकराने वाली है वो है सपाट ब्रह्मांड की फिजिक्स को समझना। अगर ब्रह्मांड असीमित होता है और ये फैल रहा है तो ये किसमें फैल रहा है और ये किससे फैलना शुरू हुआ था, और ब्रह्मांड की कोई सीमा कभी थी भी या नहीं। किस्मत से इस बात का जवाब ये है कि इस सवाल को पूछना ही बेतुकी बात है। यहाँ हर चीज फैल रही है, यानी ये ब्रह्मांड भी जिसमें हम लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये किसी चीज में नहीं फैल रहा है बल्कि यही सब कुछ है। ये जानने के लिए कि एक असीमित ब्रह्मांड में क्या होता है, हमें फिर से बिग बैंग को समझना होगा। हमें लगता है कि बिग बैंग अंतरिक्ष में हुआ धमाका था, जैसे वो किसी जगह पर हुआ था, लेकिन बिग बैंग से पहले तो कोई जगह थी ही नहीं। अंतरिक्ष तो सिर्फ बिग बैंग के अंदर मौजूद था, तो ये अंतरिक्ष में हुआ कोई धमाका नहीं था बल्कि ये अंतरिक्ष का धमाका था। हमें अक्सर बताया जाता है कि बिग बैंग के वक्त ब्रह्मांड बहुत ज्यादा छोटा था और बाद में ये बड़ा होने लगा, लेकिन एक सीमित चीज भला असीमित कैसे बन गई? क्योंकि अगर ये ब्रह्मांड असीमित है तो ये बिग बैंग के वक्त भी असीमित होगा। इस बात को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस बारे में ऐसे सोचिए कि एक असीमित ब्रह्मांड में गैलेक्सीज कभी खत्म नहीं होती, और अब सभी गैलेक्सीज के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब गैलेक्सीज बहुत पास में थी, आज वो जहाँ है उससे लगभग आधी दूरी पर, लेकिन तब भी गैलेक्सीज और ब्रह्मांड असीमित थे। एक सपाट ब्रह्मांड में स्पेस शुरुआत से ही असीमित था। स्पेस में सिर्फ कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बिग बैंग हुआ था, वो हर जगह पर हुआ था। असीमित ब्रह्मांड में असीमित संभावनाएं होती हैं, पर स्पेस का कोई छोर नहीं होता। लेकिन एक अलग किस्म का छोर हो सकता है जो तभी सामने आएगा जब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। हम एक असीमित और फैलते हुए ब्रह्मांड में रहते हैं। स्पेस का कोई छोर नहीं है, वो खत्म नहीं होता।
लेकिन हमारे ब्रह्मांड की एक अलग किस्म की सीमा हो सकती है, यानी समय की सीमा। हमारे मुताबिक ब्रह्मांड की शुरुआत 1380 करोड़ साल पहले हुई थी, तो इससे ऐसा लगता है बल्कि ऐसा पता चलता है कि समय में इसकी एक सीमा है, जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं। वो जहाँ तक हमें लगता है उस ब्रह्मांड की शुरुआत है, यानी बीते कल में इसकी कोई सीमा जरूर थी, तो भविष्य में इसकी सीमा क्या होगी? हमें ये लगता था कि एक दिन वक्त एक बड़े जलजले के साथ खत्म हो जाएगा, साथ में सारे ग्रह, गैलेक्सीज, ब्रह्मांड के सारे जीव खत्म हो जाएंगे। अगर हमें पता है कि बिग बैंग हुआ था, अगर ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और वो फैला, ठंडा हुआ, तो हमारे मन में सवाल आता है कि क्या कभी ये फैलाव बंद होगा, उल्टा होगा, यानी एक बिग क्रंच होगा? बिग क्रंच में हमारा फैलता हुआ ब्रह्मांड वापस सिकुड़ने लगेगा, तारे और ग्रह एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाएंगे, गैलेक्सीज टकराएंगी, और स्पेस में मौजूद सारी रोशनी और सारी मैटर साथ मिलकर और दबकर एक सिंगुलैरिटी बन जाएंगे। अगर ये सोच सही है तो ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत का भी एक तय वक्त है। अगर हम ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो फैलता है, फिर रुकता है और फिर आखिर में वापस सिकुड़ जाता है, तो इसका मतलब है उसकी दो सीमाएं हैं। पर एक उससे अजीब बात भी हो सकती है। शायद जो अंत होगा वही शुरुआत भी हो, और ये ब्रह्मांड शायद ऑसिलेटिंग यूनिवर्स है। बिग बैंग से इसकी शुरुआत होती है, फिर ये आखिरी हद तक बढ़ता है, फिर बिग क्रंच के साथ वापस सिकुड़ता है, और बार बार यही करता है। हो सकता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रह रहे हैं जो दूसरे ब्रह्मांड के अवशेषों से बना है, और ये ऐसे कई ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है। उनमें से हर एक में कई गैलेक्सीज, ग्रह और जीवन होता है, लेकिन हमने ब्रह्मांड के बारे में हाल ही में जो देखा है उससे लगता है कि यहाँ बिग क्रंच नहीं होगा। इसकी वजह भी डार्क एनर्जी है। आज के वक्त में डार्क एनर्जी हमारे लिए बस एक दिलचस्प शब्द है, और जब तक हम उसके बारे में और बातें पता ना कर पाएं, हमें हमारा अंजाम के बारे में पता नहीं चलेगा। हम नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में चीजें दूर जाती रहेंगी या पास आकर टकराएंगी या क्या होगा। पर ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता है कि बिग क्रंच नहीं होगा। काफी वक्त से हमें ये पता नहीं कि ब्रह्मांड का फैलाव आगे जाकर कम होगा या रुकेगा, या ग्रेविटी की वजह से ये वापस से सिकुड़ेगा। ब्रह्मांड में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं और वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे को खींच रही हैं, और वो अगर एकदम तेजी से ना फैलें तो हो सकता है कि ग्रेविटी की ताकत जीत जाए और वो फैलाव बंद हो जाए और ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ जाए। लेकिन हमें पता है कि डार्क एनर्जी की वजह से ऐसा कभी नहीं होगा। ये ब्रह्मांड हमेशा फैलते रहने वाला है क्योंकि डार्क एनर्जी इसे लगातार काफी रफ्तार दे रही है। ब्रह्मांड में बिग क्रंच तभी हो सकता है जब डार्क एनर्जी के बारे में हमें जो भी पता है वो सब बदल जाए, यानी डार्क एनर्जी को बहुत ही अजीब बर्ताव करना होगा, क्योंकि जब वो अचानक से काम करना बंद कर देगी तभी ब्रह्मांड का फैलाव रुक पाएगा और फिर से सिकुड़ने लगेगा। अगर बिग क्रंच नहीं होगा तो भविष्य में वक्त की सीमा नहीं होगी। हमारा ब्रह्मांड ना सिर्फ फैल रहा है बल्कि डार्क एनर्जी के असर की वजह से इसकी फैलाव की रफ्तार और बढ़ रही है, और डार्क एनर्जी फैलकर कभी कम नहीं होती। तो जहां तक हमें पता है, सबसे सीधा अनुमान तो यही है कि ब्रह्मांड भविष्य में भी हमेशा इसी तरह फैलता ही रहेगा। स्पेस की तरह वक्त भी कभी खत्म नहीं होगा। आपको लगेगा कि ब्रह्मांड में पनपते जीवन के लिए यह अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को जैसे तेज रफ्तार से बढ़ा रही है, उसका एक नतीजा ये होगा कि ब्रह्मांड धीरे धीरे बिग चिल की तरफ जाने लगेगा। ऐसे कहना चाहिए, हम बिग चिल की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा और ठंडा होता जा रहा है, साथ ही ये और फैलता भी जा रहा है।
तो हमारे ब्रह्मांड के लगातार और हमेशा फैलते रहने की वजह से हो सकता है कि खुद वक्त का ही एक बहुत बुरा और दुखद अंत हो। इस वजह से ब्रह्मांड में एक ऐसा वक्त आएगा जब यहाँ गर्मी नहीं बचेगी, और तब अगर आप बाहर निकल कर देखेंगे तो आसमान में तारे नहीं होंगे, वहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का आखिरी तारा भी हमसे दूर जाकर आसमान में गायब हो जाएगा। भविष्य में अंतरिक्ष बस एक ठंडी, अंधेरी, असीमित जगह रह जाएगा जहां वक्त कभी खत्म नहीं होगा। ये बस इस अकेलेपन में जीने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्मांड में वक्त की कोई सीमा नहीं होगी तो यही हमारी तकदीर होगी। लेकिन भले ही ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, पर क्या ब्रह्मांड के अंदर सीमाएं हो सकती हैं? अगर आपको ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर जाना है तो सबसे पास के ब्लैक होल को ढूंढिए और उसमें कूद जाइए, पर वहां से वापस नहीं आ पाएंगे। आप उस सीमा के पार गए तो वापस नहीं आएंगे। अप्रैल 2019 में एस्ट्रोनॉमर्स के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने एक खास ऐलान किया। हम आपको बताना चाहते हैं और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक ब्लैक होल की तस्वीर ली है। ये रही। वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीर थी जो हमसे 5,40,00,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद M87 गैलेक्सी के केंद्र में है। ये शायद ब्रह्मांड के अंदर की एक सीमा की भी पहली तस्वीर थी। जब बात अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की सीमा की हो तो ब्लैक होल्स इस मामले में बहुत दिलचस्प साबित होते हैं। एक ब्लैक होल के अंदर और बाहर के स्पेस के बीच की इस सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वो हिस्सा होता है जिसके पार अगर आप चले जाएं तो फिर ग्रेविटी का असर इतना ज़्यादा होता है कि उससे रोशनी तक बाहर नहीं आ पाती, और इसका मतलब ये है कि इवेंट होराइजन के पार निकलकर कोई चीज़ वापस नहीं आ पाती। तो वो भी एक सीमा जैसा होता है क्योंकि उससे वहाँ एक सरहद बन जाती है। इवेंट होराइजन स्पेस में मौजूद एक फिजिक्स बैरियर नहीं है। इवेंट होराइजन ब्रह्मांड के उस हिस्से की सीमा है जहां हम जा सकते हैं, पर वहां ऐसा नहीं है कि वहां कोई चीज होती है जो एक सीमा बनाती है। बस अगर आप उस जगह पर जाएंगे तो आप सीधे उसके अंदर चले जाएंगे, तो वो ब्रह्मांड के दो हिस्सों के बीच ऐसी हद है जिसे हम देख नहीं सकते। अगर हम किसी ब्लैक होल में अंतरिक्ष यान भेजेंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन्स की सीमा की तरह होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप होराइजन के पार जाते हैं वैसे ही आप बाकी ब्रह्मांड से कट जाते हैं। आप कभी वापस नहीं आ पाते, आप ब्रह्मांड से बाहर चले जाते हैं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर आप उस हिस्से के अंदर गए तो आप कभी वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो एक सीमा जैसा ही है। जैसे ही वो यान ब्लैक होल में जाएगा वो अंतरिक्ष के एक अलग हिस्से में पहुंच जाएगा और बाकी के ब्रह्मांड से कट जाएगा। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन्स के अंदर जाना मतलब एक पहाड़ी से नीचे कूदने जैसा है। वहां से आप किनारे को देख सकते हैं, खुद को वहां जाते देख सकते हैं, और नीचे गिरने के बाद आप नजर उठाकर भी देख सकते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, पर आप कभी वापस नहीं आ सकते। उस ब्लैक होल की खाई के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, यानी एक ऐसा इलाका जहां पर फिजिक्स के नियम काम नहीं करते हैं। और सिंगुलैरिटी के पास इतनी अजीब चीजें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन वो वहां मुमकिन होती है। अगर हम एक ब्लैक होल के आसपास के स्पेस टाइम का एक खास तरीके से नक्शा बनाएं तो हमें एक मिरर यूनिवर्स या पैरेलल यूनिवर्स दिखेगी जो ब्लैक होल की दूसरी तरफ होगी और यहाँ के जैसी होगी, और जिसमें हम ब्लैक होल से गुजर कर जा सकते हैं। तो ब्लैक होल्स ना सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की सीमा है बल्कि वो दूसरे ब्रह्मांडों में खुलने वाले दरवाजे भी हो सकते हैं। यह हमारी कल्पना है, लेकिन अगर ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह है, कोई ऐसा हिस्सा है जहां से हम किसी और ब्रह्मांड में जा सकते हैं, वहां सफर कर सकते हैं, तो ब्लैक होल ही वो पोर्टल हो सकता है जिससे ऐसा करना मुमकिन होगा।
लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है कि कोई इंसान एक इवेंट होराइजन के पार जाना चाहेगा और ब्रह्मांड के दूसरी सीमाओं को ढूंढने की कोशिश का कामयाब होना मुश्किल है। हम कभी कॉस्मिक इवेंट होराइजन के पार नहीं जा पाएंगे और हम कभी अपनी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा के पार नहीं देख पाएंगे। तो क्या हम कभी ब्रह्मांड की सीमा को देख पाएंगे या ये भी पता कर पाएंगे कि ऐसी कोई सीमा है या नहीं? मुझे तो लगता है कि हमें ब्रह्मांड की सीमा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम जिंदगी में जो भी देखते हैं उसकी एक सीमा होती है, उसके अंदर बाहर का एक हिस्सा होता है, किनारा होता है। लेकिन शायद ये ब्रह्मांड वैसा नहीं है, शायद इसकी बात अलग है, शायद ब्रह्मांड की किसी भी तरह की कोई सीमा ही नहीं है। हमें लगता था कि भविष्य में जीवन कहां तक दिखेगा इसकी सीमा कुदरत तय करती है, क्योंकि हम ग्रह से निकल नहीं सकते थे और हमारे सौरमंडल के पार कुछ नहीं था। लेकिन अब हमें पता है कि बाहर एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और आखिरी सीमाएं हमारी कल्पना पर निर्भर करती हैं और इस बात पर कि हम शांति से खत्म होने के बजाय उसके साथ क्या कर सकते हैं। हमारा भविष्य हमारी हाथों में है और मुझे ये सोचकर लगता है कि हम कितने काबिल हैं। ये सोचकर थोड़ी सी चिढ़ भी होती है कि हमारी भी एक हद है और हम शायद ब्रह्मांड की असली सीमा की सटीक तस्वीर कभी भी नहीं देख पाएंगे। हमें खुली सोच और विनम्रता रखनी चाहिए और हमें ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि हर एक चीज की सीमा होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा सीमा ही देखी है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ही अनोखा है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है और जो हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा वो है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, क्योंकि वो जहाँ तक है हम उसे देख सकते हैं। उसकी एक सीमा है और इसीलिए हम उसके बारे में तब तक जान सकते हैं जब तक हमें उसकी सीमा के बारे में पता है।